तो गाइस यार अभी के टाइम पे फ्री फायर के जो लोग हैं ऑडियंस है वो गेम को ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे कि सुअर कुत्ते को देख के भागता है। और गाइस जो हमारे यूट्यूबर हैं बड़े बड़े यूट्यूबर वो भाई कुछ भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं अपना, और छोटे यूट्यूबर्स अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं जैसे कि हो गए हमारे एमजी अल्फा एफ भाई को डेंजर भाई GW और फिर बात गेमर, ये सभी लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। लेकिन गाइस बड़े यूट्यूबर पता नहीं क्या कर रहे हैं गाइस, क्योंकि उनको अपने चैनल को खो ना जाए इस वजह से डर है कि स्ट्राइक ना आ जाए उनके चैनल। जब से फ्री फायर की रेटिंग डाउन हुई है तो कुछ बंदों को गाइस समझ में आया है कि अब भाई कुछ कर सकते हैं हम लोग। और गरेना वालों ने भी कुछ चेंजेस करने का वादा किया है जैसे कि सेंटिनो कैरेक्टर की एबिलिटी भी चेंज होने वाली है। और गाइज अभी कुछ यूट्यूबर्स ये भी बोल रहे हैं कि रिवाइवल पॉइंट भी रिमूव हो सकता है। तो गाइज क्या आपको लगता है ये सब चीज रिमूव हो सकती है? और गाइज अभी रेटिंग डाउन हो गई है तो गरेना वालों को डर लग रहा है कि फ्री फायर मैक्स भी ना चले जाए, क्योंकि गाइज इसी तो वो हम लोगों को लूट रहे हैं ना। और गाइज आप लोग अभी टॉप अप कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोग टॉप अप करते हैं गाइज, पर इतना टॉप अप मत करो गाइज, क्योंकि अभी गाइज फ्री फायर की हाइप बिल्कुल भी बची नहीं। तो गाइज इस वीडियो को शॉर्ट आउट जाता है RBG गेमर YT को। अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो गाइज आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर से करें। गाइज अगर आप में से कोई भी MG अल्फा FF GW अभी गॉट डेंजर YT या फिर और कोई यूट्यूबर जो कि फ्री फायर को सपोर्ट कर रहा है इन दोनों, तो गाइज उनका आप लोग कोई भी फैन हो तो गाइज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करें। और गाइज अभी तो फ्री फायर भी 2-3 साल का ही बचा है, क्योंकि गाइज इंडिया का जो सबसे बड़ा यूट्यूबर है टोटल गेमिंग उसके भी व्यूज डाउन हो चुके हैं। गाइज आप लोग सर्च करके देख सकते हैं कि उसके व्यूज अभी बिल्कुल नीचे जा रहे हैं, क्योंकि गाइज कुछ फ्री फायर के कम्युनिटी में ऐसे यूट्यूबर्स है जो कि फ्री फायर के नाम पे ऑडियंस को लूटते रहते हैं। इसी वजह से गाइज अब ऑडियंस फ्री फायर को खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और गाइज ये गेम तो पे टू प्ले वाला गेम है, क्योंकि गाइज इसमें जो भी टॉप अप करता है उसी की इज्जत होती है, न्यू प्लेयर्स की भाई इसमें रिस्पेक्ट होती ही नहीं है भाई। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर के ग्रुप में 10 सेकंड से ज्यादा खड़े भी नहीं हो सकते, आप कर दिया जाएगा। और गाइज बात रही उन बेकार यूट्यूबर्स की जैसे कि जसवंत गेमर और नितिन फ्री फायर ग्रेजुएट गेमर हैक्सन प्रो गेमिंग, ये गाइज सभी लोग भाई स्कैम करने में लगे रहते हैं। और गाइज इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है उनके बारे में बुरा भला। गाइज मुझे तो लगता है इन लोगों को स्कैम करने में मजा आता है। और गाइज इन कुछ यूट्यूबर्स ने चूतिया बनाने में भाई डिग्री हासिल कर रखी है। और गाइज मैं तो इन यूट्यूबर्स का नाम भी नहीं बोल सकता, गाइज कुछ ऐसे यूट्यूबर्स और भी हैं इनके साथ ही जो कि वीडियो भी बनाते हैं कस्टम में जाके भाई बंदों को चूतिया बनाते हैं स्कैम करते हैं उनके साथ। गाइज मुझे नहीं लगता कि फ्री फायर की ऑडियंस 2-3 साल से ज्यादा रुकने वाली है इस गेम में। और गाइज इस गेम में गिलिच तो इतने हैं कि गाइज मैं गिनवा भी नहीं सकता कितने गिलिच है। फेक डैमेज हो गया, रिंग का 99+ होना, नेटवर्क कनेक्शन एरर दिखाना, गेम में लॉग इन नहीं हो सकते हम लोग कभी कभी, और भी गाइज बहुत सारे गिलिच जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। इतने सारे गिलिच हैं भाई फ्री फायर गेम में और अभी तक ये लोग हटा भी नहीं रहे हैं, बस गाइज इवेंट लाके रहते हैं बार बार। गाइज एक यूट्यूबर्स हो गया अजीम FF जो कि गाइज गेम चैनल बनाए रखा है इसने और गाइज कंटेंट दूसरा डालता है, क्योंकि गाइज उन लोगों को पता है ना, क्योंकि गाइज अब व्यूज नहीं आते हैं फ्री फायर की वीडियोस पे जाता। तो गाइज मैं तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि अगर गाइज आप लोग टॉप अप कर रहे हैं तो गाइज कुछ सोच समझ के टॉप अप करना, क्योंकि गाइज पैसे भाई बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं। और गैज आप ऐसी ही बात हो तो गैज ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और गैज अगर मुझे लगता है कि अगर फ्री फायर उल वापस से आ जाए ना तो गैज सभी ऑडियंस वापस से आ जाएगी और गैज सभी बंदे भी खुश हो जाएंगे फ्री फायर के, और गैज फिर से गेम वैसा ही के वैसा हो जाएगा अच्छा। और गैज कभी कभी तो आप जैसे ग्लू वॉल लगाते हो तो बंदा आपके ग्लू के पार आ जाता है इस साइड और आपको वो मार के चला जाता है। तो गैज चलते हैं, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।